તો ત્યાંથી કેવું દેખાય, એકદમ જોરદાર વ્યૂ. અચ્છા, તો અભી હમ લોગ મહેરાનગઢ પેલેસ કે અંદર પહોંચ ચુકે હે. ઓ બાપ રે, કિલ્લા કાફી અચ્છા હે, કાફી બડા હે, ઓર યહાં સે પૂરા સિટી કા વ્યૂ ભી દિખ રહા હે. ગોળ ગોળ ટૂટેલા પડ્યા હશે. ये देखिए, ये कैनन है यहाँ पे, बहुत ही सालों पुराना कैनन. और यहाँ से पूरा सिटी का नज़ारा दिख रहा है. कहीं और से अच्छा दिखेगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाता हूँ वो भी. तो ऑलमोस्ट सीधी ही चढ़ान है यहाँ पे, और बहुत ही थकान हो रही है मुझे तो. लेकिन क्या करें, अभी आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही. ओ, हमारी बीवी पूरे जुस्सा के साथ जा रही है आगे. बहुत ही सीधी चढ़ान और चढ़ान, चढ़ान पे चढ़ान अभी आ रही है. कैसा लग रहा है? ओ बाप रे, ये देखिए, वाह, खूबसूरत किला है. लेकिन एक्सप्लेन, ओ बापा, અહીંયા જ આવી બેસવાનું સારું. થાકે અમે તો યહાં પે મેં બેખડા રહુંગા. મહેરાનગઢ ફોર્ટ કો રાવ જોધાજી ને બનાયા થા, તબ યહાં પે યે પહાડી કા નામ ચિડિયા ટોક હૈ, जहाँ पे मेहरानगढ़ फोर्ट बना हुआ है. वहाँ पे एक जोगी जी रहा करते थे, जो मेडिटेशन वगैरह करते थे वहाँ पे. उनके नाम से ये पहाड़ी का नाम चिड़िया टोंक रखा गया है. और दूसरी एक और बात भी है कि यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया रहा करती थी उस टाइम पे, उसके कारण भी इस पहाड़ी को चिड़िया टोंक कहा जाता है. तो वो यहाँ पे आराम से रह रहे थे पहले से ही, और मेडिटेशन वगैरह कर रहे थे. उनके अनुयायी भी यहाँ पे रह रहे थे, तो उनको ये जगह खाली नहीं करनी थी. और राव जोधा को ये महल यहाँ पे बनवाना ही था, तो उनको खाली करवाना ही था. तो खाली तो कर दिया, पर उन्होंने एक श्राप दे दिया कि यहाँ पे पानी की जो स्कैर्सिटी है, अछत है, वो रहेगी. तो राजा ने ये पहाड़ी ले तो ली, पर उनको, उनके गुस्से को, योगी जी के गुस्से को शांत करने के लिए उन्होंने महल के थोड़े पास में ही उनको आश्रम बना के दिया, ताकि वो वहाँ पे आराम से मेडिटेशन वगैरह कर सके. पर अब श्राप तो दे ही दिया था. तो कहा जाता है कि हर 3-4 साल में यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम रहती है. तो ऐसे था ये मेहरानगढ़ की जब नींव रखी गई, तब ऐसा कुछ हुआ था. ये जो आप देख रहे हो, ये पालखी बोलते हैं इसको. और इस चीज़ को एलिफंट या कैमल पे रख के उसके अंदर राजा बैठते थे. तो उस तरह का सभी अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा किया हुआ है. बहुत सारी डिफरेंट टाइप की पालखियाँ है, जिसमें हाथी, घोड़ा, सभी तरह के जानवर पे फिक्स होके ये लोग यहाँ पे बैठते थे. तो यहाँ पे कुछ इतना सा है. फिर यहाँ पे एक दूसरी जगह है, ओह पानी का है. यहाँ पे राजा महाराजाओं की तलवारें वगैरह रखी हुई है, जो भी वो शस्त्र यूज करते थे लड़ाई में, वो सभी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है. ऐसे राजा ऐसे कपड़े पहनते थे. निकाल देते नहीं आप हमने. तो देखिए भाला, खंजर, बंदूक देखिए उस टाइम की, वाह. और ये राजा का बैठने के लिए पालखी. तो यहाँ पे ये तोप है,
सूबेदार सर बुलंद खां को 1730 में हरा के ये हमारे गुजरात की है तो इन्होंने जीत ली थी तो दे दी हमने फिर। तगड़ दिन तगड़ दिन 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 सावधान तो यहाँ से सिटी का पूरा व्यू आ रहा है। वहाँ दूर आपको एक महल जैसा दिख रहा होगा वो उम्मीद पैलेस है जो यहाँ के अभी जो करंटली जो किंग है मतलब कि जो राजा है वो वहीं रहता है और जो वो जगह है वो अभी ताज ग्रुप के साथ टाई अप करके वो होटल में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आप रुकना चाहते हो तो भी जा सकते हो और आधे आधे महल में राजा रहते हैं आधे महल में होटल वगैरह चला दिया है। और ये जो है ये पुराना जो उनका महल था उसका सब कुछ है। काफ़ी हाइट पे है ये। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। थकान बहुत ही चेहरे पे आ गई है अभी हमारे क्योंकि ये जब भी ये फोर्ट वगैरह देखने आते हैं तो बहुत ही चल के ऊपर नीचे करा देते हैं ये लोग। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। तो जोधपुर को ब्लू सिटी भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे घर के कलर ब्लू है और बहुत सारों के चेंज भी हो गए हैं। सर के कपड़े भी ब्लू है, सर की पैन भी ब्लू है, यहाँ तक कि सर की साई भी ब्लू है। वाह, देखो मेरी बीबी ने कविता भी बना दी है। डायलॉग तो पिक्चर। ओके सॉरी, डायलॉग बनाए है। वो डायलॉग भी आपको वीडियो में मिल जाएंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको और भी पिक्चरों के डायलॉग लिखवाने हैं। मैडम जी डायलॉग बाजी काफ़ी अच्छी तरीके से करती है। देखिए कैमरा सीधा है लेकिन ये चढ़ान कैसी है। बहुत थक गया चढ़ते चढ़ते, अभी उतर रहे हैं फटाफट से। और यहाँ पे बर्गर मिल रहा था 450 रुपए का। क्या नाम था बर्गर का? मेहरान बर्गर। काफी बढ़िया नजारा है यहाँ से पूरे सिटी का। काफ़ी अच्छा नज़ारा और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो अभी हम ओम बनना आए हैं तो यहाँ पे जो बुलेट बाबा बोलते हैं बुलेट बाबा का मंदिर है यहाँ पे, तो वहाँ जाएंगे दर्शन करेंगे। बाद में फिर से बाइक पे बैठ के फटाफट से हम निकल जाएंगे माउंट आबू के लिए। तो टाइम की बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ये कुछ मंदिर का इस तरह से परिसर है। यहाँ पे श्री ओम बन्ना धाम वैसा लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो फटाफट से अभी अंदर चलते हैं। चलिए हाँ
फोन में एक फोटो। हेलो दोस्तों, तो अभी बजने वाले हैं 7 और अभी हम आबू से बहुत ही ज़्यादा दूर है क्योंकि जोधपुर से निकलते निकलते टाइम लग गया था पूरी सिटी में से बाइक निकालने से। और रास्ते में ओम बन्ना भी आया था तो वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए हम लोग रुक गए थे। तो वैसे तो मैं एडवाइस नहीं देता हूँ कि आप नाइट ड्राइव कीजिए क्योंकि नाइट में क्या ऐसा दिक्कत हो जाता है ना, तो मज़ा नहीं आता। लेकिन ये रोड बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि इस रोड पे ज़्यादा पब्लिक का ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा है, बहुत ही सारे होटल्स, पेट्रोल पंप और गांव भी आते रहते हैं और साथ में लोगों की अवर जवर भी बहुत ज़्यादा है। तो इस रोड पे आप कर सकते हो, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद 9 बजे तक मैं पहुंचूंगा आबू रोड और फिर ऊपर आबू तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो 6 बजे के बाद अलाउड नहीं करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, अगर ऊपर नहीं जाना मिला तो हम लोग नीचे ही रुक जाएंगे और फिर दूसरे दिन हम लोग ऊपर जाने का पूरे का पूरा ट्राई करेंगे। तो आप लोग आगे के वीडियो को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है सभी वीडियो बनाने में, इतना राइड करने में और मेहनत भी लगती है। तो आप सब लोग यार प्यार ऐसे बरसाते रहो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। पूरी सीरीज बना रहा हूँ मैं ये ट्रिप की, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो अभी ऐसे रास्ते में दिखाने के लिए कुछ है नहीं, हमारा दोनों फॉग लैंप चालू कर दिया है, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है बाइक की तो ऐसे राइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी चलिए सीधा होटल चेकिंग करते हैं, बाद में मिलूँगा, ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो यहाँ पहाड़ को खोद के सुरंग बनाई जा रही है, तो फिलहाल तो अभी एक ही रेडी हुई है तो अभी दूसरी रेडी होना बाकी है। तो अभी चलिए चलते हैं अभी सीधा सुरंग के अंदर। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये सुरंग वगैरह बनाने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। टनल बनाने में पूरे पहाड़ को बीच में से काटना वो सब करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है, इसलिए इसको बनने में टाइम भी लगता है। तो देखते रहिए वीडियो को, ऐसे नई जगह आई इसलिए मैंने आपको वीडियो में ली, बाकी रोड पे एकदम अंधेरा हो चुका है अभी। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अभी बहुत थक गया हूँ मैं, माउंट आबू रोड पहुँच चुका हूँ मैं, तो कल मैं आपको रूम टूर वगैरह करवा दूंगा और साथ में हम लोग कल आबू भी जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, टाटा।
मैडम जी तो सो गई है सर, सुती सुती करते ना, चल से। तो रूम नहीं देखा रहा मैं। मैडम जी का मुंह देख के पता चल गया वह कितना थकान हो गया है अभी। मैं अभी सो जा रहा हूँ, चलिए बाय बाय, खाना खा के सो जाएंगे, आप भी सो जाओ।